हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हैरी पॉटर द अल्टीमेट इंडियन थीम। टन टन, चलो देखते हैं क्या है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर होगा कुछ बहुत ही मजेदार क्योंकि आप लोगों ने सजेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, क्या अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है? नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक करना है। क्यों करना है? ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल और हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट, उन सब के लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको जरूर आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही डिफरेंट वीडियो था, मतलब सोच भी नहीं सकते थे उस टाइप का था। तो उन्होंने जैसे दिखाया है, बनाया जो है बहुत कमाल का बनाया है। आइडिया जो है मैं कहूंगी आउट ऑफ द बॉक्स है, कि उन्होंने हैरी पॉटर का जो स्टार्टिंग की वो बड़ी अच्छी की, बिल्कुल जैसे मूवी, जैसे आप मूवी में जा रहे हो। उसके बाद जब उन्होंने शुरू किया तो थीम और जो सॉन्ग था पूरा अपना ट्रेडिशनल इंडियन काना का म्यूजिक जो है वो प्ले किया है। फिर उन्होंने दिखाया कि हाथ से वो टैबलेट, पहले तो मुझे लगा पता नहीं कोई म्यूजिक कुछ कर रहे हैं क्या है। फिर जब दिखाया तो पहले लगा कि कोई ऐसा स्क्रीन सा है या क्या है, फिर लगा ऐसे जैसे कोई टैबलेट है, जैसे आईपैड या कुछ, और उसमें उस टाइप से है और उसको ही वहां पे वो बटन से है और उससे वो गाने का म्यूजिक कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा था और बड़ी अमेजिंग लग रहा था मुझे, तो हमने तो कभी देखा ही नहीं है। तो आप देख के तो मैं तो बहुत हैरान हो रही थी। और फिर देखा तो वो आधा हाथ दिखा रहे हैं, वो कटा हुआ, जैसे एक हाथ आधा कटा हुआ वहां काम कर रहा है। और फिर वहां पे दिखाया कि चाय का कप या कॉफी का कप चम्मच पड़ा हुआ स्पून, और वो दूसरे हाथ से, मतलब आदमी तो है ही नहीं, हाथ यहाँ पे म्यूजिक बजा रहा है और वहां कोई भी नहीं, अपने आप स्पून जो है स्थिर हो रहा है। तो उन्होंने हैरी पॉटर का वही ना जादू टाइप जो दिखाते हैं वो दिखाया। और मुझे इसमें सबसे अच्छा पता है क्या लगा, जब उन्होंने वो दिखाया था वो कौन सा पिक्चर लगी हुई थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, क्या था वो, गिटार था कि वायलिन था, तो उसको वो वायलिन, तो उसको वो ऐसे चल रहा है। तो बिल्कुल मतलब वो सेटअप था जैसे आपको हैरी पॉटर में दिखते हैं कि पिक्चर है, पिक्चर बोल रही है, या वो पिक्चर हिल के ऐसे आप जब जा रहे हो तो आपको ऐसे टर्न होके देखती है, तो वही कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद जो जिन्होंने ये सारा किया है, एंड में उन्होंने
उनको दिखाया कि वो कर रहे हैं एक्चुअली, तो मैं तो हैरान हूँ कैसे बनाया होगा ऐसे कि हाथ भी काट लिया, उसको दिखाया, स्पून हिलाता, पूरा मैजिकल मतलब वो लग रहा था। देख के मैं तो अमेज्ड हो गई, और साथ में जो म्यूजिक था और जिस तरह से दिखा रहे थे उसको प्ले करते हुए, वो फैंटास्टिक था। राइट, सो कंप्यूटर ग्राफिक्स में तो ये तो करना मतलब जिनको आता है कंप्यूटर ग्राफिक्स वो कर सकते हैं, हमारे जैसे लगता है बड़ा। अगर आपने यहाँ पे ग्रीन पूरा किया हुआ है तो पूरा ग्रीन हटा सकते हैं, तो वो कंप्यूटर ग्राफिक्स में कर सकते हैं। मगर मुझे उसकी एक्साइटमेंट नहीं थी कि जो उन्होंने वो ग्राफिक्स किए, वो तो चलिए ठीक है कंप्यूटर ग्राफिक्स में कर सकते हैं आप, मगर जो मजे था मैं अगर, क्या वो रियली ऐप ऐसा एग्जिस्ट करता है, लग तो रहा है जिस ऐप में आप ट्रेडिशनल इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकते हैं, दैट वाज अमेजिंग कि एक ऐप था और उसमें आप यूं लंबा करने के लिए स्क्वायर स्क्वायर से मतलब उसको आप यूं कर सकते हैं, साथ में लंबा भी खींच सकते हैं, उससे आवाज चेंज हो जाती है। तो मतलब वो जो ऐप है दैट इज ग्रेट कि अगर उस ऐप से इतनी अच्छी आवाज आ रही है तो पीपल कैन रियली घर में बैठे बैठे लर्न करके आपको जो है सिर्फ एक ऐप ही खरीदना है। नहीं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हम लोग हैं इंडिया में है ही नहीं, मिल ही नहीं सकते कि आपको, ऐसा नहीं है कि वायलिन खरीदना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा, सीधा ऐप लीजिए। नहीं, आप कहेंगे कि ऐप तो पियानो के भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है पियानो के भी ऐप होते हैं, मगर इंडियन ट्रेडिशनल के ऐप है, इससे मुझे खुशी हो रही है कि इंडियन ट्रेडिशनल के लिए आप वैसे बजाएं और ऐसे करें, दैट वाज वेरी नाइस, मजेदार है। मुझे पता नहीं किसने ऐप बनाया है, अगर है तो अच्छा, मगर जो इन्होंने एफर्ट पुट किया है ग्राफिक्स बनाने में, दैट इज ऑल्सो ग्रेट कि ठीक है कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप कर सकते हैं, आप ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हैं, उसे आप चीजों को बाद में वाइप आउट कर सकते हैं, मगर एफर्ट वॉज ग्रेट। और जो जो सोचने का तरीका था कि न्यूज पेपर हैरी पॉटर का, उसमें आप दिखा रहे हैं इंडियन हैरी पॉटर, तिलक लगा हुआ है, इंडियन कपड़े पहने हुए हैं और उस तरीके से, और आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिक्चर है, जो फोटो है, फोटो हिल रही है आपके बजाने से, और वो तो काफ़ी, इट वॉज अ गुड थिंग। और जैसे जैसे मेरे ख्याल से ज़्यादा मैं कहूँगा इंडिया की पॉपुलेशन इंटरनेट पर आ रही है, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, क्रिएटिविटी हो रही है, तो ऐसी सब चीज़ें सामने आ रही हैं और ये ट्रेंड आगे बढ़ेगा, और उसके बाद आप, मेरे को लगता है कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आएंगी और अभी आने भी शुरू हो गई हैं, तो वेरी नाइस वीडियो। मैं तो हैरान हो गई, एट पार था, जैसे हैरी पॉटर में दिखाते हैं ना उसी लेवल का उन्होंने दिखाया है, तो मैं तो हैरान हूँ कि इतना टैलेंट है, मतलब एक्सपोजर मिलने से जब देखा है कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है, तो अब यहाँ इंडिया से भी उसी टाइप के जिनको इंटरेस्ट है वो उस टाइप का बना के इतना अच्छा बनाया है, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे आप वाकई हैरी पॉटर की मूवी के अंदर बैठे हुए हो, जब आपने वो हाथ और वो स्पून और म्यूजिक वॉज फैंटास्टिक। और मुझे सबसे अच्छा वो भी लगा जो एंड में ऐसे पकड़ के जब उन्होंने ऐसे लंबा खींचा तो वो म्यूजिक जो था वो ऐसे लंबा जाता गया, दैट वॉज वेरी नाइस। तो बताना भाई ये कौन सा ऐप है, क्या है कि ये दिखा रहे कि हैरी पॉटर के टाइम में ऐसा मैजिक था, पता नहीं। तो पर जो भी था, कमाल का वीडियो था, छोटा सा था बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड आउट ऑफ द ऑर्डिनरी था। तो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।